हाउ टू मेक डिजिटल आर्ट नॉट जस्ट डिजिटल आर्ट एपिक एंड ऑसम डिजिटल आर्ट। इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक रफ स्केच से लेकर एडवांस शेडिंग टेक्निक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पीसी है या मोबाइल, ये टेक्निक्स सभी डिवाइस में वर्क करेंगी। डिजिटल आर्ट बनाने के लिए दो टाइप की शेडिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है, सेल शेडिंग एंड सॉफ्ट शेडिंग। इस वीडियो में हम इन दोनों को डिटेल में सीखेंगे। किसी भी टाइप के डिजिटल आर्ट करने के लिए फर्स्ट हमें चाहिए होगा एक कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें एक ड्रॉइंग सॉफ्टवेयर या ऐप अच्छे से चल जाना चाहिए। जैसे कि विंडो के लिए है क्रीटा जो कि फ्री है, चाहो तो क्लिप स्टूडियो पेंट और फोटोशॉप का यूज भी कर सकते हो, बट इन दोनों के लिए हमें पैसे देने होंगे, ये फ्री नहीं है। एंड जस्ट लाइक मी, अगर तुम अपने मोबाइल पर डिजिटल आर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए एंड्रॉइड पर काफी सारे फ्री ऐप मिल जाएंगे, लाइक इन्फिनिट पेंटर, मेडी बैंक पेंट, स्केच बुक एंड मोस्ट पॉपुलर ibisPaint। अब आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। एज आई टोल्ड यू बिफोर, डिजिटल आर्ट बनाने के लिए दो टाइप की शेडिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है, सेल शेडिंग टेक्निक एंड सॉफ्ट शेडिंग टेक्निक। सेल शेडिंग में शेडोज की एजेस काफी ज्यादा क्लीन एंड शार्प होती हैं। अदर साइड सॉफ्ट शेडिंग में शेडोज काफी सॉफ्ट एंड स्लाइटली मोर रियलिस्टिक, कॉम्प्लेक्स एंड ब्लेंडेड होती हैं। एज यू ऑल नो, सॉफ्ट शेडिंग टेक्निक को मास्टर करना काफी ज्यादा हार्ड है, लोगों को दसों साल लग जाते हैं इसे मास्टर करने के लिए। ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट हम सीखेंगे सेल शेडिंग टेक्निक से डिजिटल आर्ट बनाना, इसके बाद हम सीखेंगे सॉफ्ट शेडिंग टेक्निक से डिजिटल आर्ट बनाना। सेल शेडिंग टेक्निक से डिजिटल आर्ट बनाने के लिए हमें फॉलो करने होंगे ये 7 स्टेप्स। हमारा फर्स्ट स्टेप है रफ स्केच, और रफ स्केच करने के लिए हमें चाहिए होगा एक रेफरेंस। व्हाट व्हाई वी नीड अ रेफरेंस, सिंपली बोलूं तो ह्यूमन क्रिएचर्स आर नॉट बिल्ड टू रिमेम्बर डिटेल्स, दैट्स व्हाई वी नीड अ रेफरेंस, नॉट जस्ट अ रेफरेंस, अ गुड रेफरेंस। लेकिन एक गुड रेफरेंस क्या है? Just try to find a reference that has a good understanding of light and shadows. Also, different variety of shapes and structures like C curve, S curve, and most important, triangles. Triangles, काफी सारे triangles. और अच्छा होगा कि हम real life reference के साथ साथ professional artists के work को as a reference use करें. You can't create something pure if you never seen something pure. That's why I told you use reference for everything. एक अच्छा रेफरेंस फाइंड करने के बाद नाउ फाइनली टाइम फॉर द रफ स्केच। रफ स्केच बनाते टाइम हमें डिटेल्स पर फोकस नहीं करना, लाइक एक्सेसरीज एंड क्लोथ्स वगैरह। जस्ट ट्राई टू फाइंड फ्लो इन द बॉडी स्ट्रक्चर, स्टार्ट विद हेड एंड यूज दीज लाइंस टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ हेड। इसके बाद शोल्डर लाइन एंड हिप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ऑल्सो पे अटेंशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। इसके बाद ड्रॉ करनी है लेग्स एंड आर्म्स। ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर फाइंड करने के बाद अब हम क्लोथ्स एंड हेयर्स वगैरह पर फोकस कर सकते हैं, और इन्हें बनाने के लिए भी ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये सब डिजिटली करने में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम इसे ट्रेडिशनली नॉर्मल पेंसिल पेपर पर बना सकते हो, बाद में इसका फोटो क्लिक करके अपने एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट कर लेना। ऐसा करने से शायद थोड़ा ईजी हो जाएगा। रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है लाइन आर्ट, जिसे तुम आउटलाइन भी कह सकते हो। और इसके लिए हमें पहले रफ स्केच वाली लेयर की ओपेसिटी को कम करना होगा। इसके बाद हम इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे एंड इसी न्यू लेयर पर हम आउटलाइन करेंगे। लाइन आर्ट करने की प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए भाई ज्यादातर लोग इसको करना पसंद नहीं करते। आउटलाइन करने के लिए मैं इस ब्रश का यूज कर रहा हूं। Also, don't use same thickness lines everywhere. Use line weight and line hierarchy. मतलब same lines हर जगह use नहीं करनी। कुछ जगह पर thick and dark lines का use करना है और कुछ जगह पर thin and light lines का use करना है। Thick and dark lines का use character के outer side में कर सकते हो and thin lines का use character के inner side कर सकते हो। चाहो तो perspective lines का use भी कर सकते हो, मतलब कि जो चीज कैमरा के पास है उसके outline को thick and dark draw करना है and जो चीज कैमरा से दूर है उसकी outline को thin and light draw करना है। अगर तुम्हें इन सब technical चीजों में नहीं पढ़ना तो basically don't use thick lines, always use thin lines, क्योंकि thick lines देखने में काफी ज्यादा unprofessional and बदसूरत लगती है। और हाँ, एक और important चीज जो मैं बताना ही भूल गया था, turn on your स्टेबिलाईजर, इससे लाइंस काफी ज्यादा स्मूथ एंड क्लीन आएंगी।
लाइन आर्ट कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है फ्लैट कलर। ये वाला पार्ट काइंड ऑफ इजी है, इसमें बस हमें कलर करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, हमें आउटलाइन वाली लेयर पर फ्लैट कलर नहीं करना, वरना बाद में शेडिंग वगैरह करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमें एक और लेयर क्रिएट करनी है आउटलाइन वाली लेयर के नीचे। इस पॉइंट पर हमें रफ स्केच वाली लेयर की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो इसे हाइड या डिलीट कर सकते हो। फ्लैट कलर को हम चार टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट, हम किसी भी नॉर्मल ब्रश का यूज कर सकते हैं, बट ब्रश वगैरह से फ्लैट कलर करने पर फ्लैट कलर हमारी आउटलाइन से बाहर निकल जाता है, जिसे बाद में हमें इरेज करना पड़ता है। अगर तुम ब्रश वगैरह से नहीं करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन है बकेट टूल। हम इससे वन क्लिक में इजीली फ्लैट कलर कर सकते हैं, बट नॉर्मली बकेट टूल हर जगह वर्क नहीं करता, इसीलिए ज्यादातर प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स लासो टूल का यूज करते हैं। इससे हम किसी भी एरिया को मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम ब्रश की हेल्प से फ्लैट कलर कर सकते हैं और फ्लैट कलर हमारी आउटलाइन से बाहर भी नहीं निकले। बट लासो टूल ज्यादातर यूजफुल है बड़ी स्क्रीनों के लिए। अब तुम अपने मोबाइल में इस टाइप से एरिया सिलेक्ट करने बैठ जाओगे तो एक घंटा तो इसमें ही लग जाएगा, इसलिए ये लास्ट वाली टेक्निक काफी ज्यादा यूजफुल है। फर्स्ट हमें क्लिक करना है इस मैजिक वॉन्ड टूल पर। इसके बाद हम किसी भी एरिया को वन क्लिक में इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर तुम कंप्लीट करेक्टर को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए एक सीक्रेट ट्रिक है। फर्स्ट मैजिक वॉन्ड टूल से करेक्टर के आउटसाइड को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें क्लिक करना है इस इन्वर्ट सिलेक्शन ऑप्शन पर। इस टाइप से हम इजीली करेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम किसी भी कूल लुकिंग ब्रश की हेल्प से फ्लैट कलर कर सकते हैं, लेकिन ये वाली टेक्निक ओनली क्लीन लाइन आर्ट पर वर्क करेगी। अगर तुम्हारी लाइन आर्ट में गैप है तो ये टेक्निक अच्छे से वर्क नहीं करेगी। एक और बिग मिस्टेक जो काफी बिगिनर्स करते हैं, और वो है फ्लैट कलर के लिए रॉन्ग कलर चूज करना, जिसके वजह से उनके आर्टवर्क देखने में किसी छपरी की एडिट करी हुई फोटो लगती है। एक प्रोफेशनली अच्छे आर्टवर्क बनाने के लिए हम किसी भी रैंडम कलर को ऐसे ही चूज नहीं कर सकते, वरना कोई भी दूर से ही देखकर बता देगा कि ये किसी नूब ने बनाई है। इसलिए हमें कलर करने से पहले कलर थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। कलर थ्योरी अपने आप में ही काफी बड़ा एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे हम अच्छे से किसी और वीडियो में सीखेंगे, बट अभी के लिए कलर थ्योरी की कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। किसी भी कलर का यूज करने से पहले वी नीड टू नो अबाउट दीज थ्री बेसिक थिंग्स, ह्यू, वैल्यू एंड सैचुरेशन। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ह्यू बेसिकली एक फैंसी नाम है जो भी कलर तुमने सिलेक्ट किया है, लाइक ब्लू, रेड, ग्रीन और या फिर येलो, पर्पल। एंड सेम वैल्यू भी एक फैंसी वर्ड है ब्राइटनेस एंड डार्कनेस के लिए, लाइक तुम्हारा कलर कितना ब्राइट और कितना डार्क है। एंड सैचुरेशन बेसिकली मींस तुम्हारा कलर कितना ज्यादा इंटेंस है। हाई सैचुरेशन का मतलब है ज्यादा कलर, और लो सैचुरेशन का मतलब है बेसिकली ग्रे स्केल। जब सैचुरेशन की बात आती है तो काफी ज्यादा न्यू डिजिटल आर्टिस्ट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, और वो है हद से ज्यादा सैचुरेशन का यूज करना, लाइक सबसे ज्यादा सैचुरेटेड रेड और सबसे ही ज्यादा सैचुरेटेड ब्लू, जिसकी वजह से आर्टवर्क देखने में काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल एंड छपरी एडिट लगती है। इसीलिए कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट फुल्ली सैचुरेटेड कलर यूज नहीं करता। ये है क्रोमेटिक सर्कल, जिसे हम कलर व्हील एंड कलर पिकर भी कह सकते हैं। बेसिकली इसमें कलर्स दो टाइप से डिवाइड होते हैं, वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। ब्लू कलर के साइड के कलर्स कूल कैटेगरी में आते हैं, एंड इसके ही अपोजिट रेड कलर के साइड के कलर्स वार्म कैटेगरी में आते हैं। ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। रियलिटी में कोई भी कलर कूल एंड वार्म बन सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम ब्लू का कंपैरिजन रेड के साथ करें तो रेड काफी ज्यादा वार्म कलर है। अगर हम यहीं पर ब्लू को रिप्लेस करके मोर रेड का यूज करें तो अब ये दोनों ही रेड है, तो क्या लगता है कौन सा वाला वार्म है एंड कौन सा वाला कूल? टेक्निकली अब नीचे वाला कूल कलर है एंड ऊपर वाला वार्म कलर। कलर थ्योरी की एक और इम्पोर्टेंट चीज है कलर हार्मनी। इसके बिना कोई भी आर्टवर्क प्रोफेशनल नहीं बन सकता। वैसे देखा जाए तो कलर हार्मनी काफी ज्यादा टाइप की होती हैं। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली 7 कलर हार्मनीज की। हमारी फर्स्ट कलर हार्मनी है मोनोक्रोमेटिक। इसमें हम किसी भी एक कलर का यूज करते हैं, एक से ज्यादा कलर का यूज नहीं करते, लाइक रेड या ब्लू, बट ओनली वन कलर। नेक्स्ट है एनालॉगस। इसमें हम 3 कलर्स का यूज करते हैं। ये कलर्स ग्रुप में होते हैं नेक्स्ट टू ईच अदर, एंड ये कलर्स कलर व्हील में कहीं पर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रायडिक। इसमें भी हम ओनली 3 कलर्स का यूज करते हैं, लेकिन ये कलर्स कलर व्हील में एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, और वैसे देखा जाए तो ये एक परफेक्ट ट्रायंगल भी बनाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें हम ओनली 2 कलर्स का यूज करते हैं, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कलर हार्मनी है। इसमें कोई भी 2 कलर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये कलर पैलेट तुम्हें हर जगह देखने को मिल जाएगी, स्पेशली ब्लू एंड ऑरेंज। नेक्स्ट है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। ये पिछले वाले जैसा ही है, लेकिन हम इसमें 3 कलर्स का यूज करते हैं। इस कलर पैलेट को बनाने के लिए समथिंग लाइक
दिस जस्ट लाइक अदर्स। ये कलर्स कलर पैलेट में कहीं पर भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें पहले किसी भी एक कलर को चूज करना है। इसके बाद हमें उस कलर के सामने वाले कलर को चूज ना करके उसके साइड वाले दोनों कलर्स को चूज करना है। ये कलर हार्मनी भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट कलर हार्मनी है टेट्रेडिक। इस वाले में हम चार कलर्स का यूज करते हैं। इसे तुम डबल कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हो क्योंकि हम इसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट्स का यूज करते हैं एंड इस वाले हार्मनी का यूज करना काफी ज्यादा हार्ड है। नेक्स्ट है स्क्वायर या प्लस भी कह सकते हो। एज यू कैन सी इसमें भी चार कलर्स का यूज किया जाता है। ये चार कलर्स कलर व्हील में कहीं पर भी हो सकते हैं जस्ट लाइक अदर कलर हार्मनीज। इसीलिए फ्लैट कलर करते टाइम ये सभी चीजें ध्यान में रखना काफी जरूरी है क्योंकि सभी कलर्स के पीछे एक डिफरेंट मीनिंग एंड इमोशन होता है। जैसे कि रेड कॉमनली एसोसिएटेड विद पैशन, एक्साइटमेंट, एनर्जी, लव, डेंजर, फायर एंड हीट। इसीलिए स्टॉप साइन रेड होते हैं। एंड ऑरेंज कलर एसोसिएटेड विद एनर्जी, फन, एडवेंचर, ऑप्टिमिज्म। एंड येलो एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, चेयरफुलनेस, होप एंड बीइंग एक्टिव। एंड ग्रीन कलर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नेचर, सेफ्टी, फ्रेशनेस, सिकनेस, हीलिंग एंड मेडिसिन। जो कि तुमने देखा ही होगा गेम्स वगैरह में मैक्सिमम टाइम ग्रीन कलर ही हीलिंग कलर होता है। एंड ब्लू एसोसिएटेड विद मेल जेंडर, पीस, ट्रूथ, लॉयल्टी, लॉजिक, फ्रीडम। काइंड ऑफ इसके अपोजिट पिंक कॉमनली एसोसिएटेड विद फीमेल जेंडर, फेमिनिनिटी, वीकनेस, काइंडनेस, इनोसेंस एंड रोमांटिक। अब बात कर लेते हैं ऐसे कलर की जिसकी वजह से इंडिया की सभी लड़कियां साउथ कोरिया जाना चाहती हैं। ऑफ कोर्स पर्पल कलर। पर्पल इज एसोसिएटेड विद मिस्ट्री, इमेच्योरिटी, इमेजिनेशन एंड वेल्थ। वेल्थ इसलिए बिकॉज पर्पल कलर बनाना काफी ज्यादा हार्ड था आज से सैकड़ों हजारों साल पहले, इसलिए ये कलर काफी एक्सपेंसिव होता था। दैट्स व्हाई इस कलर को सब अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे क्योंकि ये कलर बनाना काफी ज्यादा हार्ड होता था। इस कलर को पहनने वाले लोग काफी ज्यादा अमीर या फिर किंग एंड क्वींस वगैरह होते थे, इसलिए लोग इस कलर को काफी ज्यादा प्रीमियम मानते हैं। नेक्स्ट कलर है ब्लैक। ब्लैक एसोसिएटेड विद पावर, स्ट्रेंथ, फॉर्मेलिटी, अथॉरिटी, लाइफलेस, निगेटिविटी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डेथ। एंड व्हाइट इसका ही अपोजिट, नोन एज सॉल्ट ऑफ प्योरिटी, फ्रेशनेस, क्लीननेस, कोल्डनेस, इनोसेंस, परफेक्शन, क्लैरिटी एंड पीस। बेसिकली द अपोजिट ऑफ ब्लैक। नेक्स्ट टाइम जब भी हम कलर का यूज करेंगे तो ये सब चीजें जरूर ध्यान रखेंगे। कलर्स कैन मेक और ब्रेक योर आर्ट वर्क बट डोंट वरी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कलर्स दैट यू चूज, इट्स अबाउट हाउ यू यूज देम। एंड ये था कलर थ्योरी का बेसिक्स। हमारी रफ स्केच हो गई है, आउटलाइन भी हो गई है एंड फ्लैट कलर भी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है शेडिंग। शेडिंग में ही सबसे ज्यादा लोग स्ट्रगल एंड मिस्टेक्स करते हैं, बट डोंट वरी, टुडे वी गोना लर्न कुछ ऐसी सीक्रेट एंड प्रोफेशनल टेक्निक्स जो हमें नूब से प्रो बनाने में हेल्प करेंगी। सेल शेडिंग करने के लिए आउटलाइन लेयर एंड फ्लैट कलर लेयर के बीच में हमें फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है एंड इसी लेयर पर हम शेडिंग करेंगे। अब इस न्यू लेयर को फ्लैट कलर वाली लेयर से क्लिप करना है। ऐसा करने से शेडिंग का कलर करेक्टर से बाहर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लिपिंग को ऑफ करता हूँ तो सभी ब्रश के स्ट्रोक्स करेक्टर से बाहर निकल जाएंगे जिसे हमें बाद में इरेज करना पड़ेगा, बट क्लिपिंग ऑन करने से हमें इरेज करने की जरूरत नहीं है, ये करेक्टर से बाहर नहीं निकलेगा। सेल शेडिंग में शेडोज को दो टाइप से ड्रॉ किया जाता है, फर्स्ट शेडो एंड सेकेंड शेडो। कॉमनली ज्यादातर सभी एनिमे फर्स्ट शेडो का यूज करते हैं, बट कुछ एनिमे ऐसे हैं जिनमें सेकंड शेडो का यूज भी किया जाता है एंड सेकंड शेडो का यूज हम नाइट सीन एंड रियली क्लोजअप सीन में भी कर सकते हैं। लेकिन सेकंड शेडो का यूज ज्यादा मत करना वरना देखने में काफी अजीब लगता है। तुम इसे उस जगह पर यूज कर सकते हो जहां तुम्हें लग रहा है कि शेडोज काफी ज्यादा डार्क होने वाली है। शेडिंग में ज्यादातर आर्टिस्ट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं और वो है ब्लैक, ग्रे और या फिर किसी भी रैंडम डार्क कलर से शेडिंग करना। इट्स अ क्राइम अगर तुम भी उन लोगों में से आते हो जो शेडिंग के लिए ब्लैक कलर का यूज करते हैं। Stop it. Get some help. लेकिन हाउ टू चूज राइट कलर फॉर द शेडोज, इसके लिए हमें हमारी शेडोज की सैचुरेशन एंड कूलनेस को इंक्रीज करना होगा। और इसे करने के लिए फर्स्ट पिक अप योर कलर, देन मेक 30-40% डार्क और इसी के साथ हल्का सा राइट साइड को मूव करना है टू इंक्रीज सैचुरेशन। एंड शेडो में कूलनेस को इंक्रीज करने के लिए इस कलर व्हील को हल्का सा कूल कलर्स की साइड मूव करना है। इस टाइप से प्रोफेशनली कलर को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें करेक्टर में शेडोज बनानी है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि शेडोज कहां पर बनेंगी, हमें पहले इसके लिए जानना होगा कि लाइट कहां से आ रही है, बेसिकली लाइट की डायरेक्शन क्या है। अगर लाइट राइट साइड से आ रही है तो शेडोज बनेंगी लेफ्ट साइड, और लेफ्ट से आ रही है तो बनेंगी राइट साइड। सिंपली लाइट के अपोजिट साइड शेडोज बनेंगी और वो भी उन सभी जगह पर जहाँ लाइट नहीं जाएगी।
सेल शेडिंग में हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक से शेडोज को बना सकते हैं। चाहो तो तुम डायरेक्ट ब्रश से शेडोज बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसके लिए हमें काफी ज्यादा हार्ड ब्रश का यूज करना है जिससे एक क्लीन लुक आएगा। एंड दूसरी टेक्निक है, जहां पर भी शेडोज बनेंगी पहले उस एरिया को मार्क आउट करना है, इसके बाद तुम फिल बकेट टूल से कलर फिल कर सकते हो। ऐसा करने से हमारी शेडिंग काफी ज्यादा क्लीन, शार्प एंड फास्ट हो जाएगी। अगर तुम आलसी हो और ये भी नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट लासो टूल से एरिया को सिलेक्ट करके एक ही बार में कलर फिल कर सकते हो। जहां पर भी शेडोज बनेंगे उन सभी एरिया को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रश के साइज को इंक्रीज करना है और एक ही बार में हम शेडोज बना सकते हैं। एक और टेक्निक है जिससे हम शेडिंग कर सकते हैं और वो है ब्लेंडिंग मोड, बट इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। शेडिंग दिखने में जितना ज्यादा सिंपल लगती है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली जब हम कपड़ों में शेडिंग करते हैं। कपड़ों को शेड करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड है। इन्हें शेड करने के लिए अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के कपड़ों को अलग अलग टाइप से ही शेड किया जाता है। जैकेट को हम शर्ट के जैसा शेड नहीं कर सकते और शर्ट को हम पैंट के जैसा शेड नहीं कर सकते, क्योंकि सभी क्लोथ्स में डिफरेंट टाइप के फैब्रिक एंड मटेरियल का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से सभी कपड़ों पर ग्रेविटी अलग अलग टाइप से इफेक्ट करती है। इसीलिए हमें अलग अलग टाइप के क्लोथ्स में अलग अलग टाइप से शेडिंग करनी है। ये थे कुछ बेसिक्स जो हमें पता होने चाहिए क्लोथ्स वगैरह बनाते टाइम। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ट्राई टू मेक योर शेडोज मोर डिफाइंड एंड इजी टू रीड विद गुड शेप एंड बैलेंस। एज यू कैन सी, अगर मैं अपनी शेडोज को लाइन और फ्लैट कलर से सेपरेट भी कर दूं तो हम इजीली एक ही नजर में देखकर बता सकते हैं कि चल क्या रहा है, मीनिंग वेरी इजी टू रीड। इसीलिए हमें शेडोज को ऐसे ही कहीं पर भी रैंडमली नहीं बनाना, वरना आर्टवर्क देखने में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग एंड अजीब लगेगा, प्रोफेशनल लुक नहीं आएगा। ऑल्सो गुड शेडोज मेक योर कॉम्पोजिशन बेटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइट्स, एंड ये वाला पार्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइलाइट्स कैन मेक योर आर्टवर्क लुक मोर वाइब्रेंट एंड अलाइव। हाईलाइट करने के लिए हमें फिर से एक और लेयर क्रिएट करनी है शेडिंग वाली लेयर के ऊपर। हाइलाइट्स हमें उन सभी एरियाज पर करनी है जो एरियाज ज्यादा रिफ्लेक्टिव एंड शाइनी होते हैं। हाइलाइट को तुम किसी भी हार्डवेयर से कर सकते हो जिससे एक शार्प एंड क्लीन लुक आएगा। आईज में हाइलाइट्स करना मत भूलना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम प्योर व्हाइट से हाइलाइट्स कर सकते हो। एंड इसी के साथ हमारी हाइलाइट्स डन। हमारा नेक्स्ट स्टेप काफी सीक्रेट है जो तुम्हें फ्री में बहुत ही कम लोग बताएंगे, और वो है टर्मिनेटर। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला टर्मिनेटर, समथिंग लाइक दिस। ये सभी ऑब्जेक्ट्स पर डिफरेंट टाइप से वर्क करता है, बट सेल शेडिंग में बेसिकली ये एक थिन सैचुरेटेड लाइन होती है, स्पेशली स्किन पर। वैसे ये ऑप्शनल है, तुम चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। हमारा लास्ट स्टेप है रिम लाइट, और ये भी काइंड ऑफ ऑप्शनल है। ऑल्सो ये डिपेंड करता है तुम्हारे लाइटिंग सिचुएशन और एनवायरमेंट पर। इसे करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट पिक अप योर एनी नियॉन कलर, बेसिकली ब्राइट सैचुरेटेड कलर्स। इसके बाद जिस साइड हमारी शेडोज हैं उस साइड से एयरप्लेन के पास पास रिम लाइट ड्रॉ कर सकते हो, जैसा मैं अभी कर रहा हूं। और इसी के साथ हमारा आर्टवर्क डन। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, सबसे पहले हमें करना है रफ स्केच, इसके बाद करनी है हमें आउटलाइन, इसके बाद फ्लैट कलर, फिर शेडिंग, हाईलाइट, टर्मिनेटर एंड रिम लाइट, एंड लास्ट में फाइनल टच विद एयर ब्रश। सेल शेडिंग कम्प्लीट। अब बात कर लेते हैं सॉफ्ट शेडिंग की, जिसे तुम रियलिस्टिक शेडिंग या फिर सेमी रियलिस्टिक शेडिंग भी कह सकते हो। सॉफ्ट शेडिंग करने के लिए हमें फॉलो करने होंगे ये 6 स्टेप्स, जो कि काइंड ऑफ सिमिलर है पिछले वाले सेल शेडिंग से। जस्ट लाइक सेल शेडिंग हमें सबसे पहले करनी है रफ स्केच, इसके बाद हमें करनी है लाइन आर्ट एंड फ्लैट कलर। स्टार्टिंग के ये 3 स्टेप्स दोनों में ही बिल्कुल सिमिलर हैं। ये सब करने के बाद अब आ जाते हैं हमारे मेन स्टेप पर, सॉफ्ट शेडिंग। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, जैसे कि ये है मिड टोन, ये है शेडो एंड ये है लाइट, और ये है हाईलाइट, ये है बाउंस लाइट जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से टकराकर वापस आती है, और ये है टर्मिनेटर एंड ये है कास्ट लाइट, बेसिकली ऐसी शेडो जो किसी ऑब्जेक्ट से कास्ट होती है, एंड लास्ट ये है एम्बिएंट इक्लूजन शेडो। ये सभी शेडो में सबसे ज्यादा डार्क शेडो होती है, ये ऐसी जगह पर बनती है जहाँ पर 90% लाइट नहीं जाती। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, सब सरफेस स्कैटरिंग। ये बेसिकली एक नेचुरल इफेक्ट है जब किसी सब ट्रांसपेरेंट या जेली टाइप ऑब्जेक्ट से लाइट को पास किया जाता है, लाइक ग्रेप्स, ऑरेंज एंड योर फिंगर्स। एंड यही सेम इफेक्ट हमारे कान और नाक पर भी देखने को मिल जाएगा जब हम स्ट्रॉन्ग लाइट में खड़े होते हैं। हमें इन सभी बेसिक चीजों का सॉफ्ट शेडिंग करते टाइम ध्यान रखना है। सॉफ्ट शेडिंग को हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, लाइक हम एयर ब्रश का यूज कर सकते हैं, बट एयर ब्रश हर जगह वर्क नहीं करता। मैक्सिमम टाइम मैं सॉफ्ट शेडिंग करने के लिए पहले सेल शेडिंग करता हूँ। ऐसा करने से हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है। बाद में हम सेल शेडिंग के एजेस को स्मज टूल एंड एयर ब्रश से ब्लेंड या स्मज कर सकते हैं। बेसिकली हमें ध्यान रखना कि दो कलर्स के बीच के कॉन्टेक्ट को स्मूद रखना है, बट जरूरी नहीं है कि ये सभी जगह पर स्मूद एंड ब्लेंडेड हो। कुछ जगह पर ज्यादा स्मूद हो सकता है और कुछ जगह पर कम।
किसी भी दो कलर्स को आपस में स्मर्ज एंड ब्लेंड करने के लिए हम कुछ बेसिक टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दो कलर्स हैं जिन्हें हमें आपस में ब्लेंड करना है। हम ऐसा स्मर्ज टूल की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट कभी कभी स्मज टूल का यूज करना काफी कंफ्यूजिंग एंड अनक्लीन हो जाता है। ऐसे टाइम पर हम एयर ब्रश का यूज कर सकते हैं, जिससे काफी स्मूथ एंड क्लीन लुक आएगा। तुम चाहो तो ब्लेंड करने के लिए कुछ जगह पर डायरेक्ट ब्लर टूल का यूज कर सकते हो, स्पेशली किसी भी टाइप के सिलेंडर ऑब्जेक्ट पर। इस टाइप से स्मजिंग एंड ब्लेंडिंग हमें सभी जगह पर करनी है, और ये सब करते टाइम हमारी शेडोज के शेप्स के अलग जाते हैं, इसीलिए मेक श्योर यू फॉलो द रेफरेंस। एंड ये सब करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है लाइट एंड हाईलाइट। एज यू कैन सी, ये वाला स्टेप हमारे आर्ट वर्क को काफी ज्यादा ऑसम बना देगा। बिफोर आफ्टर जमीन आसमान का डिफरेंस है। हाईलाइट करते टाइम हमें एक और बेसिक चीज का ध्यान रखना है कि सभी मटेरियल्स लाइट को डिफरेंट टाइप से रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए हमें कुछ जगह पर कम और कुछ जगह पर ज्यादा लाइट एंड हाईलाइट करनी है। एंड इस वाले स्टेप में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस लाइट एरियाज को और भी ज्यादा लाइट करना है एंड कुछ जगह पर हाईलाइट करनी है, लाइक आईज, नोज, लिप्स, स्किन, बेल्ट एंड शोल्डर वगैरह। और हाँ, मैंने कुछ एरियाज पर कास्ट शेडो का यूज किया है, स्पेशली हेड्स के द्वारा बनी कास्ट शेडोज, जैसे कि इसकी पैंट पर, जैकेट पर एंड शोल्डर पर, ऑल्सो आर्म पर भी। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिम लाइट। ये ऑप्शनल है, चाहो तो कर सकते हो। सेल शेडिंग के जैसा ही हमें यहाँ पर सॉलिड कलर से रिम लाइट करनी है, और इसके बाद इसको हल्का सा ब्लेंड करना है टू गिव मोर सॉफ्ट शेडिंग लुक। एयर ब्रश से रिम लाइट पर हल्का हल्का ग्लो भी कर सकते हो, इससे और भी अच्छा लुक आएगा। फाइनली हमारा आर्ट वर्क इज डन। ये है सॉफ्ट शेडिंग और ये है सेल शेडिंग। जो भी टेक्निक तुम्हें इजी लगे उसका यूज कर सकते हो।